हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा टेलीग्राम से। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लॉजिक पाठशाला 16 सर्च कर सकते हैं। यहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और मैं छोटी सी अपडेट आपको देना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता हो अभी तक कि चैनल पर आप लोगों को पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्लासेस भी चल रही हैं। सो पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो आपके स्टार्टिंग 3 डेज चलती हैं वीक के, और ज्योग्राफी के क्लासेस जो हैं वो लास्ट 3 डेज आपको मिलते हैं, जिसमें हम करते हैं MCQs। ठीक है, तो रिचा मैम आप लोगों की वीडियोस लेती हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टॉपिक आप लोग पढ़ जरूर लेते हैं लेकिन उसमें किस तरीके से MCQs बनेंगे वो आप लोगों को बताया जाएगा इन वीडियोज़ के थ्रू। तो डेफिनेटली इन वीडियोज़ को एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। जब तक वो चीज़ नहीं होती ना तब तक ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वो हो जाती है ना तो लगता है कि यार ये हो गया। मतलब खुद पे विश्वास नहीं होता कि हमने इस चीज़ को कर दिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, सिर्फ हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि उस काम को देख के हम डर जाते हैं और हमें लगने लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, डेफिनेटली वो काम ज़रूर होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, दुनिया की बिटकॉइन माइनिंग में सबसे बड़ा हिस्सा लेने के मामले में भी हाल ही में कौन सी कंट्री ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, यानी उसको ओवरटेक कर दिया है। तो कंट्री का नाम हो जाएगा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो जो डेटा है ये पूरा का पूरा डेटा दिया किसने है, ये पब्लिश किया गया है बाय द यूके कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस। इन्होंने इस पूरे के पूरे डेटा को पब्लिश किया है और इसके अकॉर्डिंग ही बोला गया है कि चाइना को पीछे छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसमें आगे निकल गया है। सो डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना है। यूएसए की कैपिटल तो सभी को पता है, वॉशिंगटन है डीसी, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो यूएस डॉलर चलती है। इस टाइम प्रेजेंट में इनके प्रेजिडेंट कौन है, जो बिडेन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए हम लोगों से यहाँ पे बोला गया है, पूछा है कि युद्ध अभ्यास जो हुई है वो अभी इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू हो गया है एक्सरसाइज, इसका कौन सा एडिशन ये जो हो रहा है ये बताना है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 17th नंबर का जो ये एडिशन है युद्ध अभ्यास, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है। अच्छा कहाँ पर हो रहा है, सो ये हो रहा है एलमेंडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का इन यूएसए। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, यूएसए में हो रही है। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य भी यही होता है कि आपस में जो कॉपरेशन यानी सहयोगिता को बढ़ावा देना है, और किस तरीके आपस में दोनों देश एक दूसरे के साथ जो प्रैक्टिसेस हैं उसको शेयर करती हैं। सो डेफिनेटली जितनी भी एक्सरसाइज देखो अभी तक हो गई हैं, जैसे सूर्य ग्रहण हो गई है आपकी, और काफ़ी सारी हो गई हैं एक्सरसाइज, तो वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में एक नए एक्सरसाइज को लेके। और कुछ टाइम बाद मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी एक्सरसाइज की जो कि 2021 में हो गई है। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, आज आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम चीफ जस्टिस वाली जो वीडियो आप डिमांड कर रहे थे वो आज आपको मिल जाएगी। तो चैनल के नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखा करें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अर्थ रिसीव्ड द फर्स्ट रेडियो सिग्नल फ्रॉम अ प्लैनेट, लेकिन वो प्लैनेट आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक प्लैनेट से पहली बार रेडियो सिग्नल अर्थ को रिसीव हुआ है, और ये जो रेडियो सिग्नल है ना वो लोफार नाम का रेडियो टेलीस्कोप है उसके थ्रू जो है वो पता चला है। बताना है कि लोफार ये जो टेलीस्कोप है इसका फुल फॉर्म है लो फ्रिक्वेंसी एरे, इसको ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री में। सो द आंसर इज़ नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में सिचुएटेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। तो ये जो घटना है, फिनोमिना है ना, ये एक तरीके से हिडन प्लैनेट्स के प्रेजेंस को बता रहा है कि हमारे ही जो सोलर सिस्टम है वहाँ या उससे बाहर जो भी हिडन प्लैनेट्स हैं उनकी उपस्थिति के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। और ये पता चलेगा कि क्या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अर्थ के अलावा भी कोई ऐसा
प्लानिट है जिस पे जीवन हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से हिंट मिल गई है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारा वर्क किया जाएगा, सो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। टेलीस्कोप का नाम भी पूछ सकते हैं, तो लोफार टेलीस्कोप का नाम ध्यान रखिएगा, जिसको लो फ्रिक्वेंसी एरे कहा जाता है। ये लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और ये अर्थ के एग्जामिन करने का काम करता है। इसको डिज़ाइन और इसको बिल्ड किया गया था एस्ट्रॉन कंपनी है, कहाँ पे, नीदरलैंड्स में। ओके, अब आता है ये बात नीदरलैंड की, सो चलिए चलते हैं नीदरलैंड, थोड़ा सा यहीं पे ही बैठे बैठे घूम लेते हैं। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगी नीदरलैंड कंट्री, इसके आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा पूरा नॉर्थ सी। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, या इसकी कैपिटल है एम्स्टरडाम। अगर बात करें नीदरलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, तो वह यूरोपियन कंट्री है, तो यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। याद रखिएगा नीदरलैंड इंडिया का पाँचवा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द यूरोपियन यूनियन में। क्वेश्चन ध्यान से, मतलब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, यूरोपियन यूनियन में पांचवा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री है, वो है आपकी, मतलब वो है नीदरलैंड। तो ये हमें इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया ट्रेड वॉल्यूम विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू क्रॉस द फिगर ऑफ 100 बिलियन USD 2021। तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा भी पार करने को तैयार है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग वैल्यू है ना, वॉल्यूम है, ये इंडिया कौन से देश के साथ है भाई, जिसके साथ इतना बड़ा आंकड़ा पार हो रहा है। सो अब देख के शौक बिल्कुल मत होइएगा, चाइना ही ये कंट्री है भाई। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ हम चाइना की इतनी सारी चीज़ों को बैन कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना और इंडिया का जो ट्रेडिंग व्यापार है वो 100 बिलियन के आंकड़े को भी पार करने के लिए तैयार है। तो ये डेफिनेटली भाई, ये देखो कंट्रीज़ के बीच की बात, हम इस पर कुछ नहीं बात करेंगे। सो बस आपको ध्यान रखना है कि कंट्री कौन सी है, चाइना। अभी देखो जो ये 2021 का सितंबर मंथ का एंड हुआ है, तो जो ट्रेडिंग है दोनों देशों के बीच में वो 90.37 बिलियन तक पहुंच गई है, और इस साल के एंड तक ये ऐसा कहा जा रहा है कि 100 बिलियन क्रॉस कर लेगा। ओके, ये जो पूरा का पूरा डाटा दिया है वो रिलीज़ किया है बाय द कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज़ की कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस पूरे के पूरे डेटा को रिलीज़ किया गया। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, आई थिंक सभी को पता ही होगा, ये शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर तो देखो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, चाइना के साथ। चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, रेनमिनबी चाइना की जो है वो करेंसी है। अच्छा, चाइना में दो इम्पॉर्टेंट रिवर है, एक है येलो रिवर और एक है यांगेज रिवर। ये आप ध्यान रखो, येलो रिवर आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ से जा रही है, ये पूरी की पूरी ये है येलो रिवर, और यांगेज रिवर ये है आपकी, ये आपको दिख रही होगी, ये है यांगेस्ट रिवर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना शहरी क्षेत्रों के लिए, कौन से वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, तो 2025-26 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट देखिए अराउंड 141,600 करोड़ रुपये इस पर स्पेंड करेगा, जो कि इसके फर्स्ट फेज, जो इसका पहला फेज था, उससे भी 2.5 times ज़्यादा है। बट आप लोगों से ये जितना भी अमाउंट होता है ना, ये नहीं पूछेंगे आप लोगों, सिर्फ ये ईयर ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, सो देखो इसे क्लीन इंडिया मिशन भी कहते हैं। ये कैंपेन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि देखो स्वच्छ भारत, कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है और किस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, तो ये जो मिशन था वो इसके लिए शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, हु डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेस एट अ वेबिनार ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज। अब फोर्सेज की बात आ गई है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे एक भाषण दिया होगा। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो SCO के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये दो सेशन में इसको कंडक्ट किया। पहले सेशन में देखो वुमेन्स का रोल बताया गया, उनका मतलब एक तरीके से पर्सपेक्टिव वुमेन्स का,
कॉम्बैट ऑपरेशंस में। सेकंड जो इसका सेशन हुआ उसमें बताया गया, उसमें इस चीज़ पे बात हुई कि इमर्जिंग ट्रेंड इन वॉर्स, जो वुमेन वॉरियर्स हैं उनका क्या रोल है, इस तरह वॉर्स में क्या रोल प्ले किया है, तो इस चीज़ के बारे में सेकंड जो इसका सेशन हुआ उसमें ये चीज़ों के बारे में बात हुई। अब देखो यहाँ पे SCO की बात आती है, SCO की बात करते हैं तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 2001 में क्रिएट किया गया था। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशिया और या रशियन और चाइनीज़ से ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अगर इसके मेंबरशिप की बात करें तो 8 कंट्रीज़ इसकी जो है वो मेंबर हैं इसमें, और 8 कंट्रीज़ का नाम देख सकते हैं आप, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कि 2017 क्यों लिखा हुआ है, क्यों इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुआ था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द क्लाइमेट रेजिलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्लानिंग क्रिप्स एम टूल, इसको किसने लॉन्च किया है। तो भाई देखो, क्लाइमेट को लेके बात आ गई है तो अब ऐसे रटना तो मत बिल्कुल भी, तो आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, गिरिराज सिंह हो जाएगा। अब आप ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर पे नहीं पहुँच जाएंगे। गिरिराज सिंह के पास बात करें तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री, इनके पास रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री है, जिन्होंने ये जो जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली है इसको लॉन्च किया है। ये जो टूल लॉन्च किया गया ना, इसको अभी 7 स्टेट में लॉन्च किया है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। अच्छा, इससे क्या होगा, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने और जितनी भी मौसम संबंधी आपदाएं आती हैं ना, उनसे जो पुअर और जो कमज़ोर लोग हैं ना, उनको यहाँ से उनकी मदद करेगा, उनको इनसे बचाने की मदद करेगा। तो इसके लिए ही इसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है, हु लॉन्च द फर्स्ट वन हेल्थ प्रोजेक्ट, ये वन हेल्थ प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेनू स्वरूप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये जो प्रोग्राम है देखो, ये भारत में क्या काम करेगा, ये करेगा इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरियल्स हो गए या वायरल पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो गए ना, तो जूनोटिक के साथ साथ ये जीवाणु, वायरल और परजीवी संक्रमण की निगरानी, यानी एक तरीके से क्या काम करेगा, उन पर सर्विलेंस करने का काम करेगा, और इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है वन हेल्थ प्रोजेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की रैंक बतानी है 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीज एट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया जो रहा है वो तीसरे नंबर पर है। अब अगर इंडिया तीसरे नंबर पर है तो पहले और दूसरे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले कंट्री पे है USA और सेकंड जो पोजीशन है उस पर कौन सी कंट्री है, चाइना है। ये आप देख सकते हो कि टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, फोर्थ पे है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है फिफ्थ पे, जर्मनी है सिक्स, सेवन पे ऑस्ट्रेलिया, एट पे जापान, नाइन्थ पे है ब्राज़ील और टेंथ पे कौन सी कंट्री हो गई, स्पेन हो गई। तो आप लोगों को टॉप 10 याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग टॉप 3 कंट्रीज़ को इसमें ज़रूर ध्यान करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सरकार ने जो स्टेट के सेकेंडरी स्कूल हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है। सो ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। आरोग्य जो वाटिका है, देखिए जो ये गार्डन है इसमें मेडिसिनल प्लांट को जो ग्रो किया जाएगा, जो आपके जिनसे दवाइयाँ वगैरह बन सकती हैं, औषधियाँ जो पौधे होते हैं उनको। अब इनसे फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे स्टूडेंट जो है वो इसके बारे में जान पाएंगे कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको कैसे ग्रो करना है, क्या उनकी वैल्यूज हैं, तो वो एनकरेज होंगे कि अपने घर पर भी जाकर वो इस तरीके जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करेंगे। अब इनमें प्लांट्स में जैसे कि हो गया तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, लेमन ग्रास, इंडियन गूसबेरी, खास, गुआवा, हल्दी, तो ये सारे के सारे जो मेडिसिनल प्लांट है इनको प्लांट किया जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो बूस्टअप होती है। तो बच्चों को स्कूल में जब चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो वो एनकरेज होंगे, वो चीज़ वो घर पर भी जाकर करेंगे, तो एक तरीके से हेल्प मिलेगी इस चीज़ को करने में। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। सो मैप में आपको पता है उत्तर प्रदेश कहाँ पे लोकेटेड है, पॉपुलेशन कैटेगरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, कैपिटल इसके लखनऊ है और यहाँ के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रोजेक्ट को GI Tag दिया गया, क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी प्रोजेक्ट को GI Tag भी मिला है, तो रिवाइज करते हैं। कुछ पुराने प्रोडक्ट हैं जैसे कि वाराणसी का सॉफ्ट स्टोन जली वर्क, चुनार बलुआ पत्थर, गोरखपुर का टेराकोटा, खुर्जा पोइट्री,
काला नमक राइस, फिरोज़ाबाद ग्लास, लखनऊ चिकन क्राफ्ट। तो अभी ये कुछ हैं, काफ़ी सारे यूपी के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। अगला है, कौन से स्टेट है जिसने लॉन्च किया है स्पेशल पोस्टल कवर्स और फ्रीडम फाइटर जिनका नेम है पा तूफान इन सांगमा इन सिट्रस इंडिका। सो यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, मेघालय हो जाएगी। तो इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर ये पोस्टल कवर्स को कह लीजिए आप क्या किया है, लॉन्च किया है। बात करते हैं यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर की हमने बात करी है, पो तोगान सांगमा, जिनको तोगान सांगमा के नाम से भी जानते हैं या इनको पो तोगान नेंग मिंजा सांगवा भी कहते हैं। ये गारो जो ट्राइब थी वहाँ के लीडर रहे थे और गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते थे। 1872 के टाइम पे जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन चल रहा था गारो हिल्स में, तो इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय, ड्यूरिंग द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ गारो हिल्स इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लीडर थे, इन्होंने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है अपनी ट्राइब के लिए। सो इन्हीं के नेम पर ये जो पोस्टल कार्ड्स हैं इनको लॉन्च किया है मेघालय की सरकार ने। सो द करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा। अब शॉर्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। सज्जन जिंदल को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, सज्जन जिंदल, है ना। स्टील को एक तरीके से ऐसे आप बना लो कि स्टील जो है ना, उसको अगर हमें कोई भी उसे सामान बना तो उसको जिंदा रखना पड़ेगा सामान बनाने के लिए, तो कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। स्टील एसोसिएशन की बात करें तो 1968 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखिए क्या है, ओयो ने अपॉइंट किया है पैरालंपियन दीपा मलिक को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो ध्यान रखना है दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है। दीपा मलिक के बारे में आप लोगों को जानते होंगे कि 2016 के जो पैरालंपिक गेम हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इनका जो एक्सपीरियंस, इनका जो पैशन है ट्रेवलिंग को लेके, एडवेंचर को लेके, तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इसमें है वो सपोर्ट करेगा। इसके बाद है मिस इंडिया अर्थ 2021, ये टाइटल किसने जीता है, रश्मि माधुरी ने टाइटल जीता है। और देखिए जो मिस इंडिया अर्थ विनर होती हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, मिस अर्थ में ये रिप्रेजेंट करेंगी। और जो भी मिस अर्थ का विनर होता है वो एम्बेसडर बनता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैंपेन का पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका नेम आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगला है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, ये 14 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार जो ये ई कचरा दिवस मनाया गया है, ये इस बार इसका 4th एडिशन हुआ है। और ई वेस्ट को हम किस तरीके से, मतलब उसका जो करेक्ट डिस्पोजल है, कैसे हम उसको रीयूज़ कर सकें या उसकी रिसाइकलिंग जो रेट्स है उसको बढ़ा सकें, इस चीज़ के बारे में इस दिन के तहत बात करी जाती है। इसकी थीम देख लीजिए, कंज्यूमर इज़ द की टू सर्कुलर इकोनॉमी, तो ये इसकी थीम रही। इसके बाद है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, यानी 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये जो है वो इसकी थीम रही। इसी में अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, तो 1947 में इसकी स्थापना हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, उल्रिका फ्रेंके। ओके, चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है माइक्रो एटीएम्स अक्रॉस द इंडिया। सो डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन से बैंक ने माइक्रो एटीएम पूरे इंडिया में लॉन्च करे, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च करे हैं। तो कोई भी बैंक के कस्टमर हो, अगर उनके पास डेबिट कार्ड है तो वो कोटक के माइक्रो एटीएम को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल के लिए या फिर वो अपना अकाउंट चेक बैलेंस करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की बात होती है तो 2003 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और उदय कोटक इसके MD और CEO हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम जनरल अवेयरनेस, तो आज भी हम गांधी एरा यानी गांधी जी के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का सिद्धांत क्या था, अगर हम गांधी जी के अनुसार बात करें तो देखिए, इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, बिल्कुल सही, नॉन वायलेंस, भाई अहिंसावादी तो गांधी जी ही थे, ट्रुथ यानी सत्य के राह पर भी, सत्याग्रह तो सत्य के राह पर ही बात हो रही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ थ्री हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी के जो मेन वेपन्स थे ना वो यही थे कि आप नॉन वायलेंट कोई चीज़ करो, ट्रुथ मतलब एक तरीके से सत्य
जो है वो विचारों पर आप आगे बढ़ो। अगला है गांधी जी इज़ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी लेकिन पूछा गया कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, तो ये जो बुक थी ना इसको महादेव देसाई ने जो है वो इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, गांधी जी को क्या कभी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? कब दिया गया है जल्दी से बताएं। अगर आपका आंसर डी है तो आप बिल्कुल सही हो। देखिए, गांधी जी को नॉमिनेट कई बार किया गया, जैसे कि 1937 में भी नॉमिनेट हुए गांधी जी, 1938 में, फिर 39, 47, और उसके बाद 1948 में तो गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, नाथुराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। तो गांधी जी को नॉमिनेट तो किया गया बट इनको कभी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है, तो नेवर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो अगर हम ईयर की बात करें तो 1915 वो साल था जब गांधी जी परमानेंटली साउथ अफ्रीका से भारत लौट गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1915। अगला है, महात्मा गांधी जी की माता जी का क्या नाम था? मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, पुतली बाई यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो फादर थे महात्मा गांधी जी के उनका नाम था करमचंद गांधी और मदर का नेम क्या था? पुतली बाई गांधी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब चलिए फटाफट से हम लोग कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि नए चांसलर, अभी देखो सेबेस्टियन कुर्ज ने रिज़ाइन किया, उसके बाद कौन सी कंट्री को नए चांसलर मिले हैं? तो ऑस्ट्रिया को मिले। इंडिया ने लॉन्ग टर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ अभी साइन किया है? रशिया के साथ। अटल मिशन जो है, ये जो अमृत मिशन हो गया, इसको कौन से ईयर तक अप्रूवल दे दिया गया है? तो 2025-26, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, कौन सी अथॉरिटीज़ है जिसने डिजिटल वर्जन ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके बाद है, किसने इंडिया को फुल टाइम मेंबर के लिए इनवाइट किया है? किसने इनवाइट किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। कौन से चीफ मिनिस्टर ने कौन से स्टेट के ऑक्सीजन पार्क को इनॉग्रेट किया है? तो त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। सीएम द हैसी ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर ने लॉन्च किया। कौन से स्टेट के करुपुर कल्लामरी पेंटिंग्स और कल्ला कुरुची वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बताना है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ के साथ एमओयू अभी हाल ही में किसने साइन अप किया है? तो कर्नाटका यानी नेस्कॉम के साथ साइन किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? आरवी मलिमत हो जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। पेटा इंडिया अवार्ड ये इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो जेम्स के सांगमा को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, देखिए कि बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम ये किसे कहा जाता है, कौन सी रिट को बोलते हैं? तो हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, बिल्कुल सही आपने बताया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ये 2002 में ये जो है वो इसको पास किया गया था। तो बहुत अच्छा आप लोग आंसर करते हो। प्रनवेश मेहता अमित कुमार का कॉमेंट आप देख सकते हैं, आप लोग भी ऐसे ही मोटिवेट हों और ऐसे ही आप लोग ज़रूर आंसर करें। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी जी। तो अगर आपको बताना है, देखिए महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन भी आपके सामने मैंने दे रखे हैं। और इसके अलावा अगर आप नमक सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी कोई भी बातें जानते हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसके साथ आज के इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और बिल्कुल निराश ना हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।